यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देखो, एक्टिव लोन आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा 80,000 रुपए का एक लोन चल रहा है, जो कि क्रेडिट लाइन हमें यहाँ पर मिली हुई है 80,000 रुपए की। 80,000 रुपए का हमारा लोन है, जिसमें से 67,967 रुपए अभी तक हमारा बाकी है और टोटल 36 महीनों के लिए हमने लोन ले रखा है, जिसका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो लगा है वो लगा है 31%। अभी जो आपने यहाँ पर 80,000 रुपए का लोन देखा, ये वाला जो लोन है वो पैसा बाजार के थ्रू चल रहा है। पैसा बाजार से आप दो तरीकों से लोन ले सकते हो, या तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से पैसा बाजार मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके उससे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर पैसा बाजार की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट भी है जिससे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पैसा बाजार एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा मोबाइल ऐप है जिसने 30-40 लेंडिंग कंपनियां हैं, एनबीएफसी और बैंकों के साथ इसने पार्टनरशिप की हुई है, जिसकी वजह से जो भी लोग यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करते हैं 99% केस में लगभग सभी लोगों का लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाता है। अगर आप भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको अप्लाई करते ही लोन मिल जाए, तो इस वाले वीडियो में मैं आपको पैसा बाजार से लोन अप्लाई करने का तो तरीका बताऊंगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर लोन की जो पूरी डिटेल है उसको मैं आपको समझाऊंगा और उसी के बाद आपको लास्ट में डिसीजन लेना है कि यहाँ से आपको लोन लेना है या फिर नहीं लेना है। क्योंकि जहाँ से भी आप लोन के लिए अप्लाई करें, जहाँ से भी आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार उस वाले लोन की जो डिटेल्स है वो आपको पहले पूरी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पैसा बाजार से लोन अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर लाइव अप्लाई करेंगे और लोन की जो पूरी डिटेल है उसको यहाँ पर हम लाइव अप्लाई करते टाइम ही कैलकुलेट करेंगे, लाइव अप्लाई करते टाइम ही सारी डिटेल्स को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पैसा बाजार से लोन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पैसा बाजार मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सबसे पहले पैसा बाजार मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, आपको जस्ट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोलेगा, चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट आप आपका जो भी जीमेल अकाउंट है उससे आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर है उससे भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो हम मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो नीचे ऑप्शन मिल रहा है साइन विद मोबाइल नंबर, हम यहाँ पर साइन विद मोबाइल नंबर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा मोबाइल नंबर है वह वाला मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम व्हाट्सएप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, जो भी हम मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर हम नेक्स्ट करेंगे। इतना डालते ही यहाँ पर जो भी आपका क्रेडिट स्कोर है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। अब आपका जो भी क्रेडिट स्कोर है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर लोन दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है, जो भी यहाँ पर एफर्ट लगाएगा यही वाला मोबाइल एप्लीकेशन लगाएगा। यहाँ पर बस आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, उसी के आधार पर ये आपको लोन का ऑफर प्रोवाइड कर देगा कि कौन सी कंपनी या कौन सा बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है। अब आपको लोन लेने के लिए सिंपल सा नीचे ऑप्शन मिल रहा है होम का, जस्ट आपको होम पर क्लिक करना है। होम पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब आपके सामने यहाँ पर काफी तरीके के ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर आप देखो क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर सेक्शन है, पर्सनल लोन का सेक्शन है, माइक्रो लोन्स का सेक्शन है, बिजनेस लोन का सेक्शन है। अगर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा का लोन लेना है तो ही आपको यहाँ पर पर्सनल लोन को सिलेक्ट करना है, अगर आपको 50,000 से कम का लोन लेना है तो आपको यहाँ पर हमेशा माइक्रो लोन्स को ही सिलेक्ट करना है। अब हमें 50,000 रुपए से ज्यादा का लोन चाहिए तो हम यहाँ पर पर्सनल लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहीं से हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं, आप सैलरीड पर्सन है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस वगैरह है, तो आप जो भी करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, कुछ ना कुछ आपको दिखाना होगा कि मैं सैलरीड पर्सन हूं या फिर मेरा खुद का कोई धंधा है, मेरी दुकान है, मेरा बिजनेस है, वो चीज आपको दिखानी होगी तभी आपको यहाँ पर लोन का ऑफर मिलेगा। तो यहाँ पर हम सैलरीड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, यहाँ पर आप 3 लाख से कम लिख सकते हैं, उसके बाद जितनी भी ज्यादा आपको लिखनी है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी कि आपकी जो सैलरी है वो आपके कौन से बैंक अकाउंट के अंदर आती है, क्योंकि हमने सैलरीड को सिलेक्ट कर लिया तो पूछ रहा है कि आपकी सैलरी कौन से बैंक के अंदर आती है। तो जिस भी बैंक के अंदर आपकी सैलरी आती है उस वाले बैंक अकाउंट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर खुद का बिजनेस सिलेक्ट करोगे तो आपसे यहाँ पर कुछ अलग डिटेल्स मांगी जा सकती है, जो भी यहाँ पर बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाए वो आपको डाल देनी है। इसके अलावा ऊपर की तरफ स्टेप देखो, टोटल आपको यहाँ पर 7 स्टेप्स कंप्लीट करनी है, 7 स्टेप्स के अंदर अंदर आपको यहाँ पर पैसा मिल जाएगा।
तीसरी स्टेप्स हमारी यहाँ पर चल रही है, जैसे ही 7 स्टेप्स कंप्लीट होगी हमारे बैंक अकाउंट में पैसा हमें मिल जाएगा। अब हमें लोन लेने के लिए यहाँ पर हमारा जो भी बैंक है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब आप यहाँ पर कहीं पर जॉब करते हैं या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो किस कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं, किस टाइप का आपका बिजनेस है, उसकी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। जैसे हमने सैलरीड को सिलेक्ट किया था तो हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सी कंपनी के अंदर जॉब करते हो, उस कंपनी का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी जो रेसिडेंस सिटी है वो आपसे पूछी जाएगी कि मतलब आप कौन सी सिटी के अंदर रहते हैं, तो जिस भी सिटी के अंदर आप रहते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जहां पर आप रहते हैं वो आपका खुद का घर है या फिर आप रेंट पर रहते हैं या फिर आपके पेरेंट का है या फिर हॉस्टल वगैरह है, उसको आप यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको 50,000 से ज्यादा का लोन चाहिए तो ही आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कम से कम 1 लाख है, उसके बाद 1 लाख से लेकर 3 लाख है, 3 से 5 के बीच में है, और टोटल 10 लाख से ज्यादा का भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। तो हम यहाँ पर अप टू 1 लाख को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो भी डिटेल्स है उसको यहाँ पर चेक किया जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 3-4 तरीके के जो लोन ऑफर है वो हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 4 बेस्ट ऑफर अवेलेबल, मतलब 4 तरीके के लोन आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आप नीचे देखो साफ साफ लिखा हुआ है एलिजिबल लोन अमाउंट 4 लाख रुपए और रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट 1 लाख रुपए, मतलब हम यहाँ पर कम से कम 1 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और जो लोन हमें मिलेगा वो मैक्सिमम 3 सालों के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो कौन कौन सी कंपनी आपको लोन देने के लिए तैयार है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएंगी। जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम यहाँ पर क्रेडिट भी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर अप्रूवल हमें बता रहा है। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो 5 से हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और नीचे आओगे तो टाटा कैपिटल से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा केसीसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोन लोगे तो हर महीने आपकी कितनी किस्त आएगी और टोटल आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट वगैरह कितना लगेगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लाइव ही बताई हुई है। अब आपको जिस भी प्रोफाइल से लोन लेना है, जिस भी कंपनी के थ्रू आपको लोन लेना है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर आपको जो लोन मिल रहा है वो मिल रहा है टाटा कैपिटल के थ्रू। हमें यहाँ पर अदर जो कंपनियां हैं वो थोड़ा महंगा लोन दे रही है, लेकिन टाटा जो कंपनी है, टाटा कैपिटल, वो हमें यहाँ पर 14.99% यानी 15% पर एनम पर लोन प्रोवाइड करवा दे रही है। बाकी की जो कंपनियां हैं उसमें 27% है केसी में, इसके अलावा क्रेडिट बी में 21% है और 5 में 24% है। तो हम यहाँ पर टाटा कैपिटल से लोन लेते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अब आपसे ये यहाँ पर आपके बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। चाहो तो आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करके तुरंत के तुरंत अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आपको ऑप्शन मिलता है स्किप का, आप स्किप पर क्लिक करके इस वाली प्रोसेस को बाद में भी कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि टाटा कैपिटल की तरफ से हमारा यहाँ पर टोटल 1 लाख रुपए का जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है और उसकी जो डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर लाइव बताई हुई है। यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि 1 लाख रुपए का जो लोन है वो आपको 3 सालों के लिए मिलेगा और हर महीने जो आपकी किस्त आएगी वो आएगी 3,466 रुपए, मतलब टोटल 36 महीनों तक आपकी किस्त आएगी और पहली जो आपकी किस्त रहेगी वो 3,466 रहेगी और लगातार 36 महीनों तक 3,066 रुपए का आपको यहाँ पर किस्तों का पेमेंट करना होगा और टोटल आपका यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 14.99% लगेगा, मतलब 15% आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लग रहा है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस आपकी जो लगेगी 1 लाख रुपए के लोन के ऊपर वो आपकी 1,250 रुपए लगेगी। इसके अलावा नीचे यहाँ पर हमारा जो भी पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि पैन कार्ड नंबर यहाँ पर हमने ऑलरेडी डाल दिया था। यहाँ पर आपसे अगर पैन कार्ड नंबर वगैरह मांगा जाए तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है, क्योंकि हमने इस वाले एप्लीकेशन से ऑलरेडी लोन ले रखा है। तो इस वजह से पैन कार्ड की जो डिटेल्स वगैरह है, आधार नंबर की जो डिटेल्स वगैरह है, बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स वगैरह है, वो हमसे यहाँ पर नहीं मांगी गई है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इससे लोन ले रखा है तो वो डिटेल है वो हमारी यहाँ पर ऑलरेडी फिल है। अगर आपको लोन लेना है, अगर आपसे डिटेल मांगी जाए तो सारी जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर बेझिझक होकर डाल देनी है। अब हमें लोन लेने के लिए सिंपल सा नीचे जो ऑप्शन मिल रहा है सबमिट का, हमें सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे कुछ थोड़ी सी हमारी कुछ और बेसिक डिटेल्स हमसे मांगी जाएगी, ऑटो पे सेटअप हमसे करवाया जाएगा और उसके तुरंत बाद ही जो भी हमारा लोन है जितना अप्रूव हुआ है वो इंस्टेंटली हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन इस वाले लोन को मैं बैंक अकाउंट के अंदर आपको ट्रांसफर करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को लोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा बाजार से मेरा ऑलरेडी 80,000 रुपए का लोन चल रहा है।
जिसकी जो किस्त है वो टाइम टू टाइम मेरे बैंक अकाउंट से जा रही है। अगर आपको लोन लेना है तो लोन का जो पूरा डिटेल्स है, पूरा जो लोन का प्रोसेस है, वो मैंने लाइव आपको वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करके दिखा दिया है। अगर आपको पैसा बाजार से लोन लेना है तो आप सेम तरीके से लोन के लिए अप्लाई करो, जो भी कंपनी आपको लोन देने के लिए तैयार होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी और वो कंपनी से आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो कन्फर्म आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के सिर्फ आपके आधार कार्ड पर और आपके पैन कार्ड पर आपको यहाँ से लाखों रुपए तक का लोन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पैसा बाजार से लोन नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 5-7 मोबाइल एप्लीकेशंस का लिंक दे रखा है, आप उन लिंक पर क्लिक करके भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई ना कोई वहां पर एप्लीकेशन ऐसा होगा, कोई ना कोई लिंक ऐसी होगी जिस पर अप्लाई करने पर आपका कन्फर्म लोन अप्रूव हो जाएगा।